अजय यशस्वी जायसवाल देखेंगे कि कल देवदत्त पटिकल की इतनी चर्चा हुई है और जो युवा खिलाड़ियों पे नजर है ज्यादा, क्या कहीं ना कहीं किसी युवा खिलाड़ी को उसका दबाव फील हो सकता है? क्योंकि आप अगर चर्चा हो रही हो, आप बड़े स्टेज पे, आपको इतना टेस्ट ना किया गया हो, क्योंकि आईपीएल जैसा जो स्टेज है, थोड़ा सा फील हो रहा होगा उनको नर्वसनेस के? देखिए, एक तो यूथ का एडवांटेज ही ये है कि वो नर्वसनेस होती नहीं है। यूथ का एडवांटेज ही ये होता है कि आप फियरलेस होते हैं, और सबसे बड़ी बात, जो यूथ आ रहा है पीछे से खेलने के लिए, वो तो इंतजार कर रहा था इस दिन का। अगर वो इंतजार नहीं कर रहा था ना कि यार वो कब मौका मिलेगा जब मुझे 100 मिलियन लोग देखेंगे, कि मैं, क्योंकि चौके छक्के या सिंगल या जिसकी स्पिन बोलिंग है, गेम तो खेलते ही आते हैं, लेकिन एक एक्साइटमेंट होती है कि यार मैं जब खेलूंगा तो मुझे लोग देखेंगे। तो आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए, और अगर वो नर्वस है तो आई डाउट, बट जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत अच्छा हो गया जो आपने पूछा है, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस, अगर नर्वसनेस होगी भी ना तो वो निकल जाती है, क्योंकि आप जब बड़े हो रहे होते हैं, अंडर 19 खेल रहे होते हैं ना, एक बैच हो जाता है, आपका भी एक टीम बन जाती है, आप एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि आप दौरे जब करते हैं तो ऑपोजिशन के साथ खेल रहे होते हैं। तो अब क्या है कि वही जो बैच है अब अलग अलग टीमों में बैठा हुआ है, तो वो दोस्तियां खत्म थोड़ी हो गई हैं। तो जब वो देखता है, अरे यार इसने बना दिए, तो इसका मतलब यार हम हैं इस लेवल के, अगर कोई डाउट भी होगा ना वो भी निकल जाएगा यहाँ।